कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लेकर के चुनाव को इस बात को देंगे। मैं इसके साथ साथ जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरथावल से पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जयंत चौधरी जी के दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो जो वादे हम लोगों ने मिलकर के किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को गरीब बना रही है, जिससे किसान गरीब निर्भर हो जाएं सरकारी राशन पे, सरकारी कड़वे तेल पर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने जो कहा है कि जो महंगाई हुई है सरसों के तेल की, आप भी प्रचार के माध्यम से रिफाइंड तेल मत खाइए। जो रिफाइंड तेल का प्रचार होता है आप भी उसमें बहक जाते हैं और आप भी खा लेते हैं। आप अपना शुद्ध सरसों का तेल और घर का बनाए घी के ऐसे ही खाना बनाए और खाएं। और समाजवादी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे बुंदेलखंड, जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों के तेल की पैदावार हो सकती है। मैं जब बुंदेलखंड गया था तो मैंने कहा था कि सरकार के अलग से अगर हमें सरसों के तेल की पराई के लिए कारखाने लगाने पड़े तो लगाएंगे, जिससे कि हमारा बुंदेलखंड के किसान को भी लाभ पहुंच जाए और उत्तर प्रदेश को कम से कम सस्ता सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए खाने के लिए।